तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे द वीर इंडियन वॉरियर महाबली शेरा ने अपने दोस्त जेक्स डेन की मदद की और बचाया उन्हें एक बड़े अटैक से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि महाबली शेरा पर लेगेसी ऑफ ब्रुटैलिटी के पूरे 5 रेसलर्स ने मिलकर अटैक किया था, जिसके बाद में जेक्स डेन वहां पर आए थे और उन्होंने महाबली शेरा को इस बड़े अटैक से बचाया था। दोस्तों OVW के इस वीक के शो के मेन इवेंट में जेक्स डेन और लियोनस कॉन्ग के बीच सिंगल्स मैच दिखा। इसकी स्टिपुलेशन थी कि जो इस मैच में जीतेगा वो OVW के 30 मैन नाइटमेयर रंबल मैच में लास्ट एंट्रेंट होगा। दोस्तों ये मैच होगा 12 जनवरी 2020 को OVW के स्पेशल पेपरव्यू में, जिसमें महाबली शेरा भी आपको हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों जैसे ही इस मैच में जेक्स डेन जीतने वाले होते हैं, उतने में ही वहां लेगेसी ऑफ ब्रुटैलिटी की पूरी टीम आकर जेक्स डेन पर अटैक कर देती है। इतने में वहां महाबली शेरा चेयर लेकर आ जाते हैं एंड जेक्स डेन को इस बड़े अटैक से बचा लेते हैं। महाबली शेरा को देखकर लेगेसी ऑफ ब्रुटैलिटी की पूरी टीम की फट जाती है और सबके सब रेसलर्स रिंग छोड़कर भाग जाते हैं। चूंकि ये मैच अभी डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म नहीं हुआ था, इसलिए महाबली शेरा रिंग में ही चेयर रखकर लेगेसी ऑफ ब्रुटैलिटी के पीछे चले जाते हैं ताकि वो फिर से आकर इस मैच में इंटरफेयर ना करें। इतने में OVW वर्ल्ड चैंपियन आकर जेक्स डेन पर चेयर से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जेक्स डेन डिस्क्वालिफिकेशन से ही सही बट इस मैच को जीत लेते हैं। और अब महाबली शेरा के दोस्त जेक्स डेन होने वाले हैं 30th एंट्रेंट OVW के नाइटमेयर रंबल में। दोस्तों रूमर्स के अकॉर्डिंग महाबली शेरा या फिर जेक्स डेन में से कोई एक इस मैच को जीतकर चैलेंज करने वाला है OVW हैवीवेट चैंपियन को टाइटल मैच के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।